কর্ণাটকে প্রবল বৃষ্টির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত কুর্গ জলের তোরে ধস নেমেছে। কুর্গ থেকে ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত রাজ্য সড়কের একাধিক জায়গায় বন্ধ রয়েছে যান চলাচল। রাস্তা পার হতে গিয়ে কাদা মাটিতে আটকে পড়েছেন অনেকেই। বেশ কয়েকটি গ্রামে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আটকে পড়েছেন বহু মানুষ। कर्नाटक के कूर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ और बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हुआ है और इस भूस्खलन की वजह से अब तक कूर्ग जिले में कुल 13 लोग मारे गए हैं, वहीं 18 लोग अभी भी लापता हैं। मैं मौजूद हूं मडिकेरी इलाके में जो यहां का ज़िला मुख्यालय है और आप देख सकते हैं कि ये जो सामने इमारत गिरी है ये यहां का प्राइवेट बस स्टैंड है जो भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से टूट कर ज़मींदोज हो गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक करीब 6,000 लोगों को बचाया गया है। वहीं NDRF के साथ साथ अलग अलग जो सुरक्षा दल के जवान हैं उनको लगाया गया है इस पूरे इलाके में कि वो बचाव कर सके। लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि वो अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाएं। आप देख सकते हैं कि ये मडिकेरी जो है ये एक पर्यटन क्षेत्र है और पर्यटन क्षेत्र होने की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन भूस्खलन की वजह से कुर्ग से अलग अलग इलाकों में जाने वाली जो सड़कें हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई हैं और कई जगह पर इस तरह से जो लैंडस्लाइड है वो लैंडस्लाइड हुआ है। राहत एवं बचाव कार्य के तहत अब तक कुर्ग में कुल 30,000 लीटर दूध का टेट्रापैक और 1 टन मिल्क पाउडर लोगों तक पहुँचाया गया है। उसके साथ ही ब्रेड और अन्य खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अभी कुर्ग में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री HT कुमारस्वामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है और साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मुख्यमंत्री से बात कर यहाँ के हालात का जायज़ा लिया है। मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद देने की बात कही है और इस वजह से जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के साथ है पूरी तरीके से और किसी को भी नुकसान ना हो इसके लिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है उसको देखते हुए सरकार ने अब तक NDRF के अलावा डोगरा रेजिमेंट के 60 जवानों को तैनात किया है। साथ ही नेवी के 12 डाइवर्स, अग्निशमन विभाग के 525 जवान और साथ ही होमगार्ड्स को भी लगाया गया है और अलग अलग इलाकों में जो भूस्खलन हुआ है उस भूस्खलन में सड़कों को और जगहों को साफ करने के लिए सरकार की तरफ से कुल 60 JCB तैनात किए गए हैं ताकि जो स्थिति प्रभावित हो रही है उसको कम से कम किया जाए। लेकिन कुर्ग में लगातार हो रही बारिश की वजह से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है और लोगों के सामने एक खतरा है कि जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं वो लैंडस्लाइड कभी भी किसी के भी घर के पास में या उसके घर तक आ सकते हैं। ऐसे में इस पूरे कुर्ग जिले में लोगों को सचेत रहने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, कुर्ग, कर्नाटक।